वेलकम टू द सपोज ऑक्सफोर्ड। नाइन्थ क्लास की पंजाब की आज हम एक्सरसाइज नहीं 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैट्रिक्स इनवर्स मेथड को डिस्कस करेंगे, जिससे पहला फॉर्मेट है डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है? सो सबसे पहले हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है व्हाट डज दिस डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट बड़ा आसान सा है। सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स दिया गया है जिसके अंदर ए बी एंड सी एंड डी एलिमेंट दिए गए हैं। इसका डिटर्मिनेंट निकलता कैसे है? देखें, इसमें आपने करना यह है कि आपके जो डायगोनल एलिमेंट हैं, सबसे पहले आपने डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद उसके अनडायगोनल एलिमेंट्स जो हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके उनसे सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है जी, देख लें। सपोज करें कि हमने यहाँ पर ए और डी को मल्टीप्लाई किया और बी और सी का रिजल्ट उनसे डिफरेंस किया, तो ये होती है आपकी 2x2 मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट निकाल। नाइन्थ लेवल है तो हम 2x2 ही सीखेंगे। सपोज करें एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। सपोज करें एक एग्जांपल है जिसमें आपको कहा गया है कि 3, 5, 10 एंड 6 है आपके पास। ठीक है, फाइंड कीजिए, मालूम कीजिए, यह कहता है कि ए डिटर्मिनेंट क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन बाय। अब देखें, अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दिया गया है दैट इज 3, 5 एंड 10 एंड 6, तो आपने इसका डिटर्मिनेंट मालूम करना है। उसके लिए जैसा कि ऊपर आपको समझाया गया था कि आपने सबसे पहले 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई करना है एंड लेटर आपने अनडायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके उनसे सब्ट्रैक्ट करना है। सो 3 × 6 एंड 10 × 5 आपने मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करना है। सो ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 18 एंड दैट इज व्हाट 50। अब 50 में से जब आप 18 को निकालेंगे दैट वुड बी इक्वल्स टू -K32 रिजल्ट आएगा। ये आपके पास इस चीज़ का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, अब देखें, अगर कभी भी डिटर्मिनेंट आपका किसी मैट्रिक्स का 0 के इक्वल आ जाए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। याद रखें, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल आ जाए तो, अगर डिटर्मिनेंट किसी भी मैट्रिक्स का 0 के इक्वल ना आए तो हम ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं नॉन सिंगुलर। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स आपको बता ही देते हैं। सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर यहाँ पर 3, 1, 6 एंड 2 मैट्रिक्स दिया गया है। कहा जाए कि ए डिटर्मिनेंट निकालें तो जैसा कि आपने 3 और 2 को मल्टीप्लाई करना है, सो 3 × 2 एंड 6 एंड 1 को मल्टीप्लाई करना है। अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे दैट वुड बी 6 एंड -K6। सो इसका डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 0। तो हम कहेंगे अगर डिटर्मिनेंट 0 आया है तो ए इज़ सिंगुलर और ये हमारे पास सिंगुलर होगा। अगर कोई एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास कोई और हो, जैसे बी मेरे पास एक मैट्रिक है जो आपके पास है 5, 2, 10 एंड 3। ठीक है, आपने इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 को आप 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेमली 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो बी का डिटर्मिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो आप कह देंगे कि इसका आंसर, आप देखें निकाल के देखें, तो आप कहेंगे -K5 आया। अब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम ये कह सकते हैं कि बी इज़ नॉन सिंगुलर। बी जो है आपका वो क्या है? नॉन सिंगुलर। तो ये डिटर्मिनेंट की 2-3 बातें आपको अपने जहन में होनी चाहिए। अब देखिए, ये कहता है कि आप पहले इनको बताएं डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2 कैसे निकाला जाता है। तो हमने आपको ये डिटर्मिनेंट का 2x2 मेथड समझाया।
फिश ने कहा कि नॉन सिंगुलर और सिंगुलर मेथड को समझाएं और उसे भी हमने डिस्कस किया। अब एडजॉइंट क्या होता है देखें। एडजॉइंट में अगर 2/2 का अगर आपको एडजॉइंट निकालना हो तो उसका एडजॉइंट निकालना बड़ा आसान होता है देखें। सो अब है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक, एडजॉइंट ऑफ मैट, मैट का एडजॉइंट कैसे निकाला जाता है, और ये बड़ा आसान वे है 2/2 मैट्रिक्स का। सपोज करें आपके पास एक मैट्रिक है ए बी सी एंड डी। अगर आपको कहा जाए कि इसका आपने एडजॉइंट निकालना है, आपने इसका एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, जस्ट बड़ा आसान तरीका है, डायगोनल एलिमेंट्स को आपस में एक्सचेंज कर लें। यानी कि डायगोनल कौन से एलिमेंट हैं, दैट इज ए एंड डी, तो डी और ए अपनी जगह को तब्दील कर लेंगे, और बी एंड सी की साइंस को अपोजिट कर दें तो ये आपके पास एक डायगोनल एलिमेंट हो जाएगा, एडजॉइंट हो जाएगा। तो दिस वुड बी कॉल्स एज एडजॉइंट, ये आपका एडजॉइंट कहलाएगा, एडजॉइंट। आप एक एग्जांपल दे देता हूँ, दो तीन देखें। सपोज करें एक बी मैट्रिक्स है आपका जिसमें 3 है, 2 है, माइनस के 5 है एंड 6 है। अगर आपको कहा जाए कि फाइंड बेटा जी एडजॉइंट, एडजॉइंट मालूम कीजिए किसका, बी का, तो आपने एडजॉइंट ऑफ बी कैसे मालूम करना है। एडजॉइंट ऑफ बी मालूम करने के लिए सबसे पहले आपने डायगोनल एलिमेंट की इस प्लेसेस को एक्सचेंज कर लेना है, और जो अनडायगोनल एलिमेंट्स हैं जैसे 2 एंड माइनस 5 हैं, इनकी साइन को तब्दील करें, जैसे माइ प्लस का 2 है तो माइनस का 2, 5 प्लस का हो जाएगा, तो ये इसका एडजॉइंट हो जाएगा। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करें डी एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स आपके पास हैं 9, माइनस के 3, माइनस के 8 और माइनस के 2। इसका अगर कहा जाए कि एडजॉइंट मालूम कीजिए, तो एडजॉइंट ऑफ डी माल 2/2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट मालूम करने का तरीका है, अमल क्या है कि आपने इन डायगोनल एलिमेंट को एक्सचेंज करना है, तो 2 एंड 9 अपनी जगह में चेंज हो जाएंगे। अनडायगोनल एलिमेंट की साइन को चेंज करें तो दोनों माइनस के हैं तो आपने इन्हें प्लस का कर देना है, तो ये हो जाएगा इसका एडजॉइंट। सो होपफुली तो आपको एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स समझ आ गया। अब देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ द मैट्रिक क्या होता है। ए बी टू नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए बी इज सेड टू बी मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर इफ ए एंड बी या उनकी प्रोडक्ट आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, द इनवर्स ऑफ ए इज डोनेटेड बाय दिस वन। तो यहाँ पे इनवर्स कैसे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स तो हम आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम समझाएंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक कैसे निकाला जाए। ठीक है जी, देखिए यहाँ पर हमारा टॉपिक, अभी पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे इनवर्स। इनवर्स अगर आपने समझ लिया, इनवर्स ऑफ मैट, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा राइटिंग आगे पीछे हो जाती है, ये बोर्ड है नया सा, जब तक हम इसके यूज टू हो जाए। कह रहा है कि इफ़ ए एक मैट्रिक्स है आपका, सपोज करें जैसे 3 और 2, 6 एंड 5 है अगर आपके पास, कहता है फाइंड, अब मालूम कीजिए ए का इनवर्स, ए का इनवर्स मालूम कीजिए वो किसके इक्वल होगा। बेटा जी इनवर्स का एक जनरल फार्मूला है, जो टॉपिक आपने दो पढ़े ना वो आपके होने पर उन्हें समझना लाजिम है, एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। और कीप रिमेंबर ए डिटर्मिनेंट आपका कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये प्रॉपर्टी इसमें लाजिम होगी। यानी कि अगर कभी भी हमें किसी का इनवर्स निकालना हो तो हमने सबसे पहले उस मैट्रिक्स को, यानी कि उस मैट्रिक्स का क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। अगर डिटर्मिनेंट अगरचे 0 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। सो ए का डिटर्मिनेंट हम निकाल लेते हैं, सो 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एंड 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो ए का डिटर्मिनेंट आ जाएगा आपके पास 15 एंड माइनस के 12। अब 12 15 से जब जाएंगे दैट वुड बी 3, तो इसका आंसर आपके पास 3 है, तो इट मींस इसका इनवर्स पॉसिबल है। अब डिटर्मिनेंट आपने निकाल लिया,
देख ले आपने एक डिटर्मिनेंट को निकाल लिया। अब आप एडजॉइंट निकालें ए का। अब ए क्या था आपके पास, ए था आपके पास 3, 2, 6, 5। अब इसका एडजॉइंट निकालने का तरीका हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। डायगोनल एलिमेंट की प्लेसेस को आप चेंज कर दें, अनडायगोनल एलिमेंट की साइन को चेंज कर दें, तो ये हो गया इसका एडजॉइंट। अब इनवर्स का फार्मूला दिमाग में रखें और वो था एडजॉइंट ऑफ ए, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट उसके डिटर्मिनेंट के साथ उसे डिवाइड करें। अब एडजॉइंट क्या है आपके पास, एडजॉइंट है 5 एंड -2, -6 एंड 3। इसे डिवाइड करें इसके डिटर्मिनेंट के साथ एंड डिटर्मिनेंट इज 3। सो ए इनवर्स आपके पास क्या आ जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा 1/3। कभी कभार हम यूं भी लिख देते हैं इसे डिटर्मिनेंट को 5 -2 और -6 एंड 3 यूं भी लिख देते हैं वैसे हम इसे, या फिर हम ऐसे भी लिख देते हैं कि आपने हर एलिमेंट को 3 के साथ डिवाइड करना है। सो इसे 3 के साथ डिवाइड करें, 2 को 3 के साथ डिवाइड करें, 6 को 3 के साथ करेंगे तो 2 आंसर आएगा और 3 को 3 के साथ तो 1 आएगा। तो आप यूं भी लिख सकते हैं। अब इसका जो डेफिनेशन पीछे है जिसे यहाँ पर ये बनाना चाह रहा है कि अगर आप किसी का इनवर्स उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इनवर्स तो मेरे पास आ गया, अब मैं करना चाह रहा हूँ ए टू ए इनवर्स, यानी उसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करना। तो मैट्रिक क्या था 3, 2 एंड 6 एंड 5 इनटू इनवर्स क्या था 1/3 और फिर मेरे पास था 5 -2 -6 एंड 3। ऐसा करते हैं जो ये 1/3 है इसे थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख देते हैं 1/3। ठीक है, अब देखिए 3 और यहाँ पर 2, 6 एंड 5 और सिमिलरली 5 -2 -6 एंड 3 आपने रख दिया। अब आपने इन दोनों डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई कर दिया। देखें जी 1/3 आपका यूं ही का यूं ही है। अब देखिए 3 को 2, 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस में बीच में दें 6 को 2 के साथ। मल्टीप्लीकेशन तरीके अमल हमने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर 3 को 6 के साथ मल्टीप्लाई बाय -6 और फिर 6 को 3 के साथ। सो 6 × 3 6 को 3 के साथ। फिर वही 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें और बीच में 5 × -2। अच्छा जी, फिर 2 को मल्टीप्लाई बाय -6 एंड 5 को 3 के साथ। सो 5 × 3। ठीक है, 5 × 3 2 × 6। अब देखिए मल्टीप्लाई कर लें आप। देखिए ए इनवर्स तो यहाँ पर 1/3 हमारा बाहर पड़ा हुआ है। 3 5s are 15 और 6 2s are 12, 2 5s are 10 एंड 2 5s are again 10। यहाँ पे 3 6s are 18 और 3 6s are 18 अगेन हो रहा है और यहाँ पर 6 2s are 12 एंड प्लस 15। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें तो रिजल्ट क्या आता है, रिजल्ट आता है आपका इक्वल टू 1/3 एंड देन यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3। अब ये जो 3 यहाँ पे आए तो हर एलिमेंट के साथ इंटरनली आप इसे अगर डिवाइड करें तो ये हो जाएगा 3/3, 0/3, 0/3 एंड 3/3। तो इसका रिजल्ट जो है आपके पास आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी 1, 0, 0, 1 के। तो यहाँ से ये भी प्रूव हुआ कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो इनवर्स भी आपने सीख लिया और उसका मल्टीप्लीकेशन भी सीख लिया। ये दोनों पॉइंट आपकी समझ आ रही है। ठीक है, अब ये दूसरी एक बात करता है वेरिफिकेशन ऑफ दिस लॉ, इस लॉ को वेरीफाई करने का तरीके अमल हमें समझा रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हमने इस लॉ को, फिर हम अगले अपने लेक्चर में देंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।